हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम ये बहुत ही सुंदर सा फुल चैन स्वेटर स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा जो स्वेटर है वो एक्सल से लेकर डबल एक्सल तक का है, और नीचे से हमने इसके जो बॉर्डर के फंदे रखे हैं वो 121 फंदे रखे हैं, और ऊपर इसके हमने जो फंदे बढ़ाए हैं वो हमने 9 फंदे बढ़ाए हैं, और 130 फंदे ऊपर हमने इसके बढ़ाए हैं। और आज हम इसका नीचे से सबसे पहले बॉर्डर बनाना सीखेंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 34 फंदे लिए हैं। 33 फंदे 3 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। ये देखिए, एक फंदा स्टिच ऐसे ही उतारेंगे। अब देखिए, आगे दो फंदे लेंगे। पहले हम दूसरे फंदे को बैक लूप से बनाएंगे, फिर पहले फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे। अब देखिए, बैक लूप से सेकंड फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से इसे आगे रिपीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा तीन फंदों का पैटर्न है। यहाँ पर ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से देखिए, धागा पीछे रखेंगे, बैक लूप से सेकंड स्टिच सीधा बुनेंगे, फिर फर्स्ट स्टिच बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर बैक लूप से सेकंड स्टिच पहले बनाएंगे, फिर फर्स्ट स्टिच बैक लूप से सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, फिर से सेकंड स्टिच बैक लूप से सीधा, फिर फ्रंट स्टिच बैक लूप से सीधा बना लेंगे। धागा आगे कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, सेकंड स्टिच बैक लूप से सीधा, फिर फर्स्ट स्टिच बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। ऐसे ही हमारे पास जितने भी फंदे हैं सभी को एंड तक बनाएंगे। तीन तीन के मल्टीपल से हमें ये बनाना है। ये देखिए, एंड में दो फंदे हैं तो इनको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले हम सेकेंड फंदा जो है उसको बैक लूप से सीधा बना लेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे। फिर देखिए, एंड का फंदा धागा आगे करेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो है रॉन्ग साइड। अब देखिए, इस रो में कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टिच, ये हमारा एस स्टिच है, इसे ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे। अब देखिए, ये हमारे दो उल्टे फंदे हैं, इसमें पहले दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर पहला फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए, पहले दूसरा फंदा सिंपली उल्टा बना लेंगे और फिर पहला फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है तीन फंदों का। ऐसे ही फिर से रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे, पहले दूसरा फंदा सिंपली उल्टा बुनेंगे, फिर पहला फंदा उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, फिर से दूसरा फंदा उल्टा, फिर पहला फंदा उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे,
ऐसे ही एंड तक जितने भी हमारे पास फंदे हैं सभी को बनाकर कंप्लीट करेंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पहले दूसरा फंदा उल्टा, फिर पहला फंदा उल्टा बना लेंगे। एंड का फंदा धागा पीछे करेंगे, सीधा बना लेंगे। ये देखिए हमारी सेकेंड रॉ कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही जितने भी आपने इसकी लेंथ रखनी हो वो आप रख सकते हैं, और इसकी 1-2 रॉ हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। और इसके बाद जितनी भी आपने इसकी लेंथ रखनी हो वो आप रख सकते हैं। तो उसके बाद इसको हम कैसे सेट करेंगे, रिबिंग को ऊपर डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए देखिए धागा पीछे करेंगे, और ये सारे फंदे जो हैं इनको हम बैक लूप से सीधा बनाएंगे। देखिए इसको हम सीधा बनाएंगे बैक लूप से, ऊपर से नीचे की साइड धागा लेकर जाएंगे और सीधा बनाएंगे। हमने नीचे से ऊपर की ओर नहीं धागा लेकर आना है, ऊपर से नीचे की ओर धागा लेकर जाएंगे और सीधा बना लेंगे। फिर से ऐसे ही बैक लूप से धागे को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और सीधा बुन लेंगे। फिर से ऐसे ही जितने भी हमारे पास फंदे हैं सभी को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इसको सीधा बनाएंगे। ये देखिए एंड का फंदा भी ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए ये इसकी फ्रंट साइड हो गई है, रॉन्ग साइड है। इस सारी रो को देखिए उल्टे उल्टे फंदों के साथ सिंपली बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।